वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब भी ठीक हैं। तो आज मैं बनाने लगी थी मूंग की दाल की मंगोचियाँ। हमारी अम्मी बोलती थी, पंजाबी थी ना हमारी अम्मी, तो उसको बोलती थी मंगोचियाँ। वैसे इसको बोलते हैं मूंग की दाल की बड़ियाँ। तो मैंने इसमें जो डाला है, मैंने मूंग की दाल को सुबह से भिगो दिया था अच्छी तरह धो के, फिर उसको मैंने शाम में अभी ना मशीन में ग्राइंडर कर लिया। वैसे इसको सिल पे पीसने ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने फ़िलहाल इसको मशीन में, मेरे पास सिल नहीं थी तो मैंने मशीन में इसको ग्राइंडर कर लिया था। तो थोड़ा सा मोटा मोटा छोड़ दिया था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा मोटा मोटा ही मैंने छोड़ा है इसको। और इसमें डाला है चॉप करके प्याज डाली है एक दरमियाने साइज़ की, और हरा धनिया बारीक बारीक काट के डाला है, ज़ीरा डाला है साबुत, और थोड़ा सा गर्म मसाला पीस के डाला है इसके अंदर। मैंने नमक हसबे ज़ायका, हल्दी डाली है थोड़ी सी आधी चमची, और क्या नाम है इसका, हरी मिर्ची काट के डाली है। ठीक है, इसमें ये सब कुछ डाल दिया है, और इसको थोड़ी देर के लिए हमने 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया था मैरिनेट के लिए। सही है, अब इसमें हमने एक फ्राई पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, जिससे कि धुआं निकलता आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसकी बनाएंगे पहले हम पकौड़ियाँ छोटी छोटी सी। देखें ऑयल हमारा गर्म है, तो सोचा मैं आज का व्लॉग आपसे अच्छी रेसिपी भी शेयर करूं और दिखाऊं कि हमारे घर में नए मेहमान भी आए हो। बहुत मज़े की लगती है चटनी के साथ, ऐसे भी खाओ तो ऐसे भी बहुत मज़े की लगती है, सालन भी बहुत मज़े का लगता है। अभी डायरेक्ट निकल निकल के ना, पहले मैं इसको प्लेट में रख लूँगी, फिर ना एक साथ ही मैं इसको शुरुए में डाल दूँगी, जो मसाला मैं बनाऊँगी ना उसमें डाल दूँगी। तो फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है, ठीक है। फिर हमने गर्म कर लिया था हाई फ्लेम पे ऑयल को, फिर हमने फ्लेम लो कर दिया। तो जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक भी करें, और शेयर भी करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें, हमें बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। और देखें, एक तरफ मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने मसाले काट के रखे हुए थे, यहाँ ये हो रहे हैं ना, उसके मैं आपको मसाले दिखाती हूँ। मैंने ऑयल ले लिया कढ़ाई में, क्योंकि खुले बर्तन में बनते हैं, सही बनते हैं। तो हमने टमाटर भी काट लिए दो दरमियाने साइज़ के, ये हमने प्याज पीस के रख ली है, दो दरमियाने साइज़ के हमने प्याज ली थी, उसको ग्राइंडर कर लिया अच्छी तरह से। और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, और यहाँ धनिया भी मैंने काट लिया है, ये है चाइनीज़ सॉल्ट, दिख रहा होगा आपको, और ये कसूर की मेथी ऊपर से जाएगी, ठीक है, हरा धनिया और कसूर की मेथी ऊपर से गार्निश पे जाएगी। तो हमारा तो हो रहा है ऑयल गरम, ये वाला ग्रेवी के लिए, और साथ में मंगोचिया तैयार भी कर रही हूँ मैं। बहुत मज़े का बनता है इसका सालन मंगोचियों का, बाज़ार से बनी बनाई भी मिलती हैं ये, वो आलू के साथ बनती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि घर में बंदा अच्छे से बना ले अपनी आंखों के सामने। और हमने एक पाव दाल ली थी मूंग की दाल, ठीक है, ये हो गई ना एक, फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे ताकि जल्दी जल्दी से पक जाएगी। और दिखाते हैं मेरा बेटा, और जो नए मेहमान आए थे ना, वो मेहमान ये हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं हमारे नए मेहमान। हाशु हाशु हाशु, हाय कर दो, हाय करो फिर, हाय। और ये देखिए हमारे नए मेहमान, कॉकटेल बहुत खूबसूरत है ये, इनकी हंडिया भी लगा दी हमने, और ये खाना वाला इनका रखा हुआ है, तो ये मेरे हस्बैंड की पसंद के हैं ये तोते। मुझे तो मैंने ग्रीन वाला मंगवाया, जो बच्चा होता है ना ग्रीन वाले का, उसको बातें करना सिखाओ, बहुत क्यूट लगते हैं ये ताज वाले हैं। कॉकटेल है, मेरा बेटा इन्हीं के साथ लगा रहता है यहाँ पर।
कलर हमारा हो गया फाइनल और कंट्रास्ट का आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोगों को कैसा लगा है कंट्रास्ट सिल्वर के साथ ग्रे का कंट्रास्ट। और यहाँ विंडो भी लग गई हमारी, ये देखिए फ्राई हो चुकी है। हम सारी फ्राई कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर मैं सारी फ्राई करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहला चक्कर तो हम ऐसे ही टेस्ट करेंगे चटनी के साथ, जो हमने चटनी घर में बनाते हैं लाल चटनी, और बाकी सारी जो है वो सालन में जाएगी। व्यूअर्स, दूसरा चक्कर हमारा फ्राई हो रहा है और देखें हमने एक चक्कर निकाल भी लिया चटनी के साथ, हम खा रहे हैं, बड़े यम्मी है, मैंने टेस्ट करके भी देखा है। अब इसमें जाएगी प्याज जो हमने पीस कर, इसके साथ इसमें जाएगा टमाटर, काट दूं। अब इसके साथ इसमें जाएंगे अदरक लहसुन और ये हरी मिर्च, हरी मिर्चों का पेस्ट, फिर इसको भून लेंगे मसाले को। और जो हम मंगोचे तल रहे हैं ना वो हाथों हाथ मस्त शुरुए में जाएंगी ताकि, और उसका शुरुआ थोड़ा पतला रखेंगे वो यूं के इसका जो पानी है ना वो शुरुआ जो है ना वो पिएगी मंगोचियाँ। और यहाँ हमने ये चाइनीज सॉल्ट भी डाल देंगे थोड़ा सा घास में, थोड़ा सा हमने ना मंगोचियों में डाला था पकौड़ियों में ना, और पर गार्निश पे जाएगा इसमें हरा धनिया और कसूरी मेथी, ठीक है? अभी इसमें जाएगा हल्दी हाफ टी स्पून, नमक, हल्दी जायका आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, क्योंकि थोड़ा उसमें भी है ना मंगोचे में भी डाला मैंने थोड़ा नमक, ठीक है? उसको अच्छे से भून लेंगे। साथ साथ में खा भी रही थी, टेस्ट भी कर रही थी, आ जाए खा लें। अभी तक में बहुत यम्मी है, ये देखें सॉफ्ट भी है। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारा मसाला भून गया अच्छी तरह से, अब इसमें डाल देंगे हमें ये मंगोचियाँ भी तैयार कर दी सारी फ्राई कर दी। और ये हमें गरम मसाला थोड़ा सा ऊपर जाएगा गार्निश के लिए, और कसूरी मेथी ना हमने बीन के भिगो दिए। अब इसमें जाएगा पानी सबसे पहले, और पानी ज़्यादा जाएगा हो जाएगा। ये देखिए पानी हमने इसमें डाल दिया, पानी देखिए पतला ही है, पतला इसलिए है ना कि मैं इसमें मंगोचे जब डालूंगी ना तो ये सारी मंगोचे ना फा सारा पानी पी जाएंगे। देखिए इसमें मंगोचे डाल देंगे हम, आज के व्लॉग में मेरे हस्बैंड नहीं, मेरे हस्बैंड गए हैं काम से, तो हमने सोचा हम अलग ही व्लॉग बनाते स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ये देखें बाकी मैंने अपने हस्बैंड के लिए छोड़ दी, वो ऐसे ही खाते हैं चटनी के साथ ना, तो उसमें उबाल आ जाएगा, फ्लेम हाई कर देते हैं, हम थोड़ी देर में ही सारा पी जाएंगी पानी को। हरे हरा धनिया डाल देते हैं ऊपर से, चमचा निकाल देते हैं ताकि आसानी से हो जाए, और ये देखो सारा हरा धनिया डाल देंगे
और उस पर कसूरी मेथी भी डाल देंगे साथ ही। कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, लगेगा मछली का सालन खा रहे हैं। कसूरी मेथी मर्जी आपकी डालें नहीं डालें, लेकिन मैं डालती हूँ। तो अगर आप लोगों का दिल नहीं है तो आप मेहंदी डालें, लेकिन फिर डालने से टेस्ट ये एक अच्छा आ जाता है। कसूरी मेथी भी डालें, इसमें जाएगा इसमें गर्म मसाला जो हमने पीस के रखा हुआ था अलग से। चम्मच से डालेंगे गरम मसाला, मेरे हाथ गीले हो रहे हैं। ये देखिए गरम मसाला भी डाल दिया, उबाल भी आना शुरू हो गया इसमें ना। अच्छी तरह चिमटा चला देंगे इसका। उबाल आ गया ना, अब इसका बस फ्लेम हम बंद कर देंगे। थोड़ी देर में ही ना ये पी जाएंगी सारा पानी मंगोचियाँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, बस इसका पानी वानी सब देखिए खुश भी हो गया है। और मैं हम कैसी लगी आज की रेसिपी मंगोचियों की, तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। और हमें दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल और दुआओं में हमें याद भी रखें, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।